भाईचारे को लेके ये मैसेज देना चाहता हूँ कि सब हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब हम लोग भाई है, आपस में कुछ बैर नहीं रखना चाहिए। जैसे हम लोग सब मिलके करते हैं, आप लोग भी सब ऐसे ही करना चाहिए, शांति अमन करना चाहिए। आज हम खड़े मुंबई के कुर्ला इलाके में, जहाँ हिंदू और मुसलमान की एक और मिसाल देखने को मिलती है। यहाँ के ऑटो टैक्सी ड्राइवर मिलकर एक नहीं दो नहीं बल्कि पूरा महीना रमज़ान का लोगों के लिए अफ्तारी का इंतज़ाम करते हैं। तो आइए उनसे बात करते हैं। आपका नाम बताइए। मेरा नाम विजू है। विजू भाई, ये जो होता है अफ्तारी, ये कौन कराता है? ये सब हम लोग रिक्शा टैक्सी यूनियन वाले सब मिलके करते हैं। तो मतलब ये एक दो दिन का रहता है ये, मतलब पूरा महीना? पूरा महीना भर करते हैं हम लोग सब मिलके। तो कब से कर रहे हैं आप लोग ये? 13 साल हो गए हैं। 13 साल हो गया, मतलब हो गया 13 साल। तो मतलब इसमें जो भी आता है पैसा, वो आप लोग देते हो क्या? कुछ राजनीतिक पार्टियाँ भी देती है? राजनीतिक पार्टियाँ नहीं, खाली हम लोग सब रिक्शा टैक्सी वाले लोग मिलके करते हैं। सब अपने दोस्त लोग हैं, वही करते हैं बस मिलकर, बाकी किसी को नहीं। कितने सालों से कर रहे हैं आप लोग? 13 साल से। 13 सालों से कर रहे हैं। तो मतलब क्या इसका मकसद क्या है? नहीं तो ऐसा, अभी 2-3 साल से तो लॉकडाउन था तो हम लोग नहीं कर पाए, लेकिन अभी करने मिला है तो बहुत अच्छा मौका मिला है और खुशी का माहौल है हम लोग, क्योंकि बहुत अच्छे से कर रहे हैं हम लोग। नहीं मतलब जैसा आपने देखा कि पूरे देश में हिंदू और मुसलमान को मतलब बांटने की कोशिश की जा रही है, तो ये एक बहुत अच्छी मुहिम है। नहीं नहीं, यहाँ पे सब हिंदू मुस्लिम भाई हम लोग सब मिल के करते हैं। यहाँ पे कोई जातिवाद नहीं, कोई झगड़ा लपड़ा नहीं, सब अच्छे से हो रहा है, शांति से हो रहा है। हमारे साथ और भी मौजूद है, आप क्या कहना चाहोगे? ये हम लोग सब टैक्सी रिक्शा वाले मिल के सब ये करते हैं, हम लोग को बहुत खुशी होता है। आम पब्लिक रहती है और इसमें क्या मुसाफिर भी रहते हैं, उनके लिए भी जो है मतलब अफ्तारी का प्रोग्राम किया जाता है। 14-15 साल हो गए हम लोग को ये करते हैं, इसमें कोई जात और पात नहीं देखते हैं। और कोई भी भाई आता है अफ्तारी का मतलब रोजे का ये खोल के जाता है, और हम भाईचारे सब मिलके मतलब रिक्शा और टैक्सी वाले ये करते हैं, ये 14-15 साल से करते आ रहे हैं हम लोग। अच्छा, लेकिन मैं ये पूछना चाहूँगा, जो आप लोग अफ्तारी कराते हैं, ये सिर्फ रोज़गार के लिए होता है या सभी के लिए? सभी के लिए, रोज़गार भी खोलते हैं, जब बाहर से जो भी आता है खड़े होते हैं तो सबके लिए करते हैं, सब मिलके। बिंद रोज़गार के लिए भी है कि आके खड़े होंगे रोज़गार के साथ में खोलेंगे तो सवाब का काम है, तो सब खोल देते हैं। उसमें हिंदू भाई लोग भी बहुत आते हैं, मुसलमान भी भाई रहते हैं, सब मिलके मतलब सब खाते हैं यहाँ पे, आगे कोई ऑब्जेक्शन नहीं है? कोई ऑब्जेक्शन नहीं, सबके लिए, किसी के लिए ऐसा नहीं है कि ये है रोज़गार वो नहीं है, वो सबके लिए है। क्या मैसेज देना चाहेंगे आप भाईचारे को लेकर? तो भाईचारे को लेके ये मैसेज देना चाहता हूँ कि सब हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब हम लोग भाई है, आपस में कुछ बैर नहीं रखना चाहिए। जैसे हम लोग सब मिलके करते हैं, आप लोग भी सब ऐसे ही करना चाहिए, शांति अमन करना चाहिए। चलिए, हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे वो लोग जो हिंदू मुसलमान भाईचारे को हमेशा हवा देते हैं, एक नहीं दो नहीं पूरे महीने रमज़ान रखते हैं। आप देख सकते हो यहाँ पर जो सब लोग यहाँ पर अफ्तारी काट रहे हैं। तो ठीक है, तो देखा आपने, आज भी इंसानियत जिंदा है और हमेशा जिंदा रहेगी। ऐसे और अपडेट के लिए जुड़े रहिए मेरे साथ आरिफ अजीत, मुंबई ब्रेकिंग न्यूज़ से।